Hello, this is Fidan Furkan, pursuing BSc Physical Health and Education from lovely Professional University. Today we are going to talk about Volleyball Court Dimensions. But before that, I would like to tell you that volleyball is an Olympic team sport in which two teams of six players are separated by a net. Each team tries to score points by grounding a ball on the other team's court under organized rules. So let's move to the volleyball court dimensions. I would like to tell you that तो सबसे पहले हम बात करने वाले वॉलीबॉल कोर्ट की जो लेंथ होती है एक एंड लाइन से दूसरे एंड लाइन तक वो होती है 18 मीटर्स और उसके बाद इसके ब्रेड्थ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो होती है 9 मीटर्स और उसके बाद इसके ये जो एंड ये जो लाइन आप देखते हो इसको बोलते हैं हम एंड लाइन और उसके आगे जो ये वाली लाइन आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम अटैकिंग लाइन और ये जो यहाँ पे लाइन है इसको बोलते हैं हम सेंटर लाइन ये एंड लाइन से लेके अटैकिंग लाइन तक जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं बैक जोन और अटैकिंग लाइन से लेकर सेंटर लाइन तक जो ये डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं हम फ्रंट जोन और उसके बाद गाइस जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो कोर्ट होता है इसको डिवाइड करता है एक नेट जो बीच में होता है सेंटर लाइन पे होता है उसके दोनों साइड में पोल्स लगे होते हैं और एक तो होता है लेफ्ट साइड में और दूसरा होता है राइट साइड में ये जो पोल्स होते हैं यहां से लेकर यहां टॉप तक इसकी जो हाइट होती है वो होती है 1.80 मीटर और इसके आगे दोनों साइड में एंटेना भी लगे हुए होते हैं जो नेट से ऊपर होते हैं तो और उसकी जो हाइट होती है वो होती है 0.80 मीटर और उसके बाद हम देखेंगे ये जो नेट होता है गाइस उसकी जो ब्रेड्थ होती है वो होती है 1 मीटर और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे जो राइट साइड में आप देख रहे हो गाइस ये कोचेस रिस्ट्रिक्शन लाइन होती है इसके आगे पीछे वो कोच जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है वो आगे आप पीछे नहीं जा सकता है इसके अंडर उसको रहना पड़ता है और इसके बिल्कुल पीछे जो होता है वो लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन है जहां पे लिब्रो के जो प्लेयर होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है और उसके बिल्कुल पीछे होते हैं टीम बेंचेस जहां पे टीम जो रेस्ट करती होती है प्लेयर्स उनको वहां पे बैठना होता है और उसके आगे जो है वो सब्स्टिट्यूशन जोन है जो आप आगे देख रहे हो और यहाँ पे प्लेयर्स जो होते हैं वो बदल दिए जाते हैं सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं और उसके बिल्कुल पीछे स्कोर टेबल होता है और जो मिनिमम सीलिंग हाइट होती है वो होती है 7 मीटर्स और उसके बाद हम बात करेंगे ये जो नेट की हाइट होती है जो नेट होता है इस मेंस के लिए उसकी हाइट जो है वो होती है 2.43 मीटर्स और वुमेन के लिए 2.24 मीटर्स और उसके बाद हम बात करेंगे लेफ्ट साइड में ये इसको गाइस हम बोलते हैं फ्री जोन और इस ये जो इसकी जो ब्रेड्थ होती है वो होती है 3 मीटर्स और उसके बाद ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं साइड लाइन ये होती है एंड लाइन और उसके पीछे ये सर्विंग एरिया हम या इसको बोल सकते हैं सर्विस जोन भी बोल सकते हैं यहाँ पे प्लेयर जो होता है वो सर्विस करता है जो बॉल दूसरे कोर्ट में मारता है यानी जिसे हम सर्विस बोलते हैं तो गाइस अब जो है हम प्लेयर्स की पोजीशन के बारे में बात करेंगे जो खिलाड़ी होते हैं जो प्लेयर्स होते हैं वो कहाँ और किस जगह पे खेलते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है और सबसे पहले जो नंबर वन खिलाड़ी होता है नंबर वन प्लेयर होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल प्लेयर तो वो यहाँ पे खेलता है तो उसके बाद नंबर टू जो है वो यहाँ पे खेलता है जिसको हम बोलते हैं राइट साइड अटैकर और उसके बाद जो बीच में आगे फ्रंट जोन में खेलता है उसको बोलते हैं नंबर थ्री पे उसको बोलते हैं हम सेंटर ब्लॉकर और उसके बाद नंबर फोर पे जो खेलता है प्लेयर उसको बोलते हैं हम काउंटर अटैकर और उसके बाद जो नंबर फाइव की पोजिशन पे खेलता है उसको बोलते हैं हम सेटर और लास्ट में नंबर सिक्स पे जो खिलाड़ी खेलता है को बोलते हैं हम लिब्रो जो नंबर सिक्स पे खेलता है तो इसी के साथ ये भी कंप्लीट हुआ तो थैंक यू